guys, Ask MBA is now located at Navi Mumbai, which is Vashi as the location. So you can get in touch with us. And from 6th of June, we are starting new batches in Thane and also in Vashi. So make sure you are getting connected to our nearest center and starting the CAT preparation. Now guys, CAT, yes, this is a one of a book which all the aspirants of Ask MBA will be studying from this book, in which last year ke bahut sare questions hai, last 5 se 6 saal ke बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं. कौन से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कौन से हर साल कितने लेवल ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आपके हिसाब से कैट एग्जाम एक डिफिकल्ट है, तो ऐसी बात नहीं है. कैट एग्जाम इज ऑल अबाउट राइट गाइडेंस, राइट अप्रोच एंड टाइम मैनेजमेंट. दैट्स इट. इफ यू गेट दीज 3 क्राइटेरियाज, कैट और आईएम के अंदर की जो एंट्री है काफी स्मूथ हो जाएगी. बट उसके लिए कंसिस्टेंसी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो गाइस, ये वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप एक कंफ्यूज माइंडसेट से चल रहे हैं कि यार 6 महीने में कैट 24 जो अभी आने वाले नवंबर में एग्जाम होने वाला है, क्या मैं एलिजिबल हूं कि नहीं, क्या मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए नहीं, कब से करनी चाहिए, ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको इस छोटे से वीडियो में मिल जाएंगे. बट यस, बिफोर दैट, जस्ट वॉचिंग अ वीडियो और यू नो जस्ट रैंडमली थिंकिंग, उससे बेटर है नियरेस्ट सेंटर पे आ जाओ. यहाँ पे आपको प्रॉपर काउंसलिंग दी जाएगी, चाहे आप एक बीएमएस बैकग्राउंड से हो, बीकॉम बैकग्राउंड से हो, बीबीए से हो, बीएफएम बैकग्राउंड से हो, आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, आप सेकेंड ईयर में हो, आपने शायद किसी और कोचिंग क्लास में शायद आपने ज्वाइन किया होगा, वहां पे आपका कैट का अटेम्प्ट शायद उतना वर्थ नहीं था, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स है, कुछ भी डाउट्स होगा, जस्ट गेट इन टच. वी आर नॉट कॉस्टिंग यू एनीथिंग, वी आर जस्ट गोइंग टू गिव यू द राइट इन्फॉर्मेशन सो दैट ऑल द क्वेश्चंस इन योर माइंड आर बीन आंसर. ठीक है, तो कैट के एग्जाम के लिए एग्जैक्टली हमारे पास 6 महीने बाकी हैं. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज है आपको डिसीजन बनाना होगा कि मुझे कैट एग्जाम यही साल देना है, आई हैव टू गेट इन टू टॉप कॉलेजेस दिस ईयर इटसेल्फ, कि 6 महीने में भी आराम से आपका प्रिपरेशन कवर हो जाता है. तो कैट के एग्जाम में बेसिकली आपके 3 सेक्शंस आते हैं. सबसे पहला सेक्शन आता है वो है क्वांट, यानी आपका मैथमेटिक्स, जो पूरा आपका 8th, 9th और 10th का जो सिलेबस है उसी के रिगार्डिंग रहेगा. तो क्वांट के अंदर आपके पार्ट आते हैं एरिथमेटिक, यानी परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये सारे टॉपिक्स को आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे. एंड ये 6 महीने में इजीली पॉसिबल है, इसका कोई पोर्शन वास्ट नहीं है. तो आप अगर अभी से भी स्टार्ट करते हैं, 3 महीने के अंदर आपका टारगेट होना चाहिए कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाए, उसके बाद आप कैट लेवल के क्वेश्चंस को यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग. तो उसके लिए क्वांट ही आपको इस तरीके की बुक दी जाती है आज के एमबीए में, विच ऑल द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी स्टार्ट प्रिपेयरिंग. यू गाइज नो कि हम अपने लेवल 1 के क्वेश्चन ऑलमोस्ट वी हैव कम्प्लीटेड बिकॉज वी आर ऑन द राइट ट्रैक. एंड जो बच्चे ये मंथ से स्टार्ट करेंगे गाइज, वी विल बी फोकसिंग फर्स्ट पर्टिकुलरली ऑन द कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट या उसके फॉर्मूलाज कैसे फॉर्म हुए हैं, कैसे अप्लाई करना है वो समझ में नहीं आएगा, तो क्वांट का सेक्शन है या कैट एग्जाम में जो आपको डर लगता है ना मैथ्स का, वो कभी भी नहीं जाएगा. उसके लिए कॉन्सेप्ट समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो डेडिकेटली हफ्ते में आपके 3 लेक्चर्स होते हैं, जिसमें आज के एमबीए की टीम कौन के फैकल्टीज वुड बी डेडिकेटली आफ्टर यू कि ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये फॉर्मूलाज हैं, ये आपको करना ही पड़ेगा. सो इट इज गोइंग टू बी अ गुड वे ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड इवन इफ यू आर वीक इन कॉन्स. ठीक है, तो ये एक सबसे पहला आपका मिथ या दिमाग से वो निकाल दो क्वांट के रिगार्डिंग जो डर है, क्योंकि 6 महीने हैं, आराम से आप एक एक टॉपिक कर सकते हो. आपको सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 टॉपिक्स इतने ही हैं जो आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं, बिकॉज इट इज ह्यूज लिस्ट ऑफ सिलेबस और द टॉपिक्स विच आर देयर इन मैथमेटिक्स. उसके बाद बारी आती है आपकी नेक्स्ट बुक की, जो हम बोलते हैं जिसके लिए एप्टीट्यूड या लॉजिकल रीजनिंग, जो आपके डीआई सेक्शन से मिक्स आता है, विच इज योर डीआईएलआर सेक्शन इन कैट. कैट सेक्शन अगेन 40 मिनट्स आर गिवन, आपको बस 2 सेट निकालने, ज्यादा मैं तो ये मैक्सिमम बोल रही हूँ. अगर आपने एक सेट भी क्वांट के डीआईएलआर के सेक्शन में निकालिया, गुड इनफ टू गेट और डायरेक्ट वे फॉर 90% एंड प्लस इन कैट, विच मीन्स यू विल बी गेटिंग कॉल्स फ्रॉम द न्यू आईएम्स एंड द बेबी आईएम्स विच आर देयर. एंड अगर आप कैटेगरी के अंदर आते हैं तो बाकी के आईएम्स, लेट्स नॉट गेट डीप इनटू दैट बिकॉज फॉर दिस आई एम गोइंग टू मेक अनदर वीडियो.
बट फॉर दैट यू नीड टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि मैम प्लीज यार ऐसा वीडियो बना दो या हमें इन्फॉर्मेशन शायद किसी और चैनल पे ढंग से नहीं मिल रही है तो प्लीज मेक इट सो आई मेक श्योर आई एम गेटिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन जॉटेड एंड विल पुट इट इन द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, तो ये आपका DILR का सेक्शन आ गया. उसके बाद आपका आता है वर्बल. इसके टोटल 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैट के एग्जाम में विच इज अगेन डुएबल. आपका टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट अमाउंट 12 क्वेश्चंस आपको करेक्ट करने हैं. तो अभी ये सारी चीजें कुछ आपको कंफ्यूजिंग लग रही होगी ना, क्वांट में मैम ने बोला कि यार 10 टॉपिक कर लो, DILR का एक सेट है, या वर्बल के अंदर 12 क्वेश्चन कर लो, तो ये क्या मैथमेटिक्स है गाइस. यही है आपको समझना, मेन तो आपका यही क्राइटेरिया. जो आपको कंफ्यूजन लग रहा है ना, इसके लिए क्या तो कॉल कर दीजिए या तो सेंटर विजिट कीजिए टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि कैट एग्जाम होता क्या है. ठीक है, ऑल यू हैव टू डू इज टेक मिनिमल क्वेश्चंस और एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 8-10 क्वेश्चंस इन ईच सेक्शन. मतलब आपको 10-10 क्वेश्चन इन सारी किताबों में से जितने भी टॉपिक्स हैं, क्वांट हो गया, DILR हो गया, वर्बल हो गया, ये आपको समझना पड़ेगा जो आपको राइट गाइडेंस से मिल जाएगा. ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज मत है ना, विजिट अस, गेट इन टच विद अस एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ बिकॉज इन 6 months इट इज कैन बी इजिली यू कैन क्रैक कैट. वी हैव मेनी स्टूडेंट्स जो पास्ट अचीवर्स हैं जिनके वीडियोज अगेन हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे. उन्होंने किस तरीके से प्रिपेयर किया, उनका क्या क्राइटेरिया था, कैसे आज के MBA के फैकल्टीज ने उसमें यू नो दे हैव एडेड अप स्टाफ की क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है इंडिविजुअली. दीज ऑल थिंग्स यू गोना अंडरस्टैंड व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट 24 दिस ईयर. मेक श्योर यू आर ज्वाइनिंग आज के MBA at the nearest in Thane, Navi Mumbai. Again, I'm stretching on both the locations because you can get in touch and get your counseling done and start your CAT preparation right now. I hope you like this video. Make sure liking and subscribing to our channel right now. Thank you.